सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम कर रहे हैं असाइनमेंट। तो कॉलेज आने से पहले कॉलेज वालों ने देखे हमें बहुत सारे असाइनमेंट, तो उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। प्लस आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मुझे 10 सेकंड दो, मैं अभी असाइनमेंट कंप्लीट करता हूँ और फिर हम वीडियो का आगे चर्चा करते हैं। तो हमारा असाइनमेंट हो चुका है ख़त्म और अब हम चलेंगे वीडियो की तरफ। तो भाई, कॉलेज खोलने से पहले कॉलेज वालों ने बहुत सारे असाइनमेंट दिए थे, तो वो हमें कंप्लीट करने थे कॉलेज से पहले, इनके मार्क्स वार्क होते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक और अपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा क्लिक करने से पहले। तो आज की वीडियो होगी एक डाउट सॉल्विंग वीडियो, जिसमें हम लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे जो उनको डाउट थे। तो कई लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ रहे थे, पर्सनल में पूछ रहे थे या कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भैया आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो कुछ कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, कुछ का नहीं कर पाता, क्योंकि यार देख रहे हो कॉलेज खुलने वाला है, बहुत सारा एग्ज़ाम्स आने वाले, कॉलेज खुलती है, हमारे एग्ज़ाम्स हैं। सो तो उसका भी है, प्लस आज की एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसपे मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जितना हो सके उतने कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाए। प्लस जिनका मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, अगर यार नहीं पढ़ पाया, तो मैं आगे और ऐसी वीडियोस बना दूंगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वो डाउट्स ऐसे हैं जो मैंने पिछली की सारी वीडियो में, जैसे फीस के बारे में हो गया या और कोई चीज़ें हो गई, वो सब मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर रखी हैं। बट जो नए व्यूअर्स हैं उनको शायद पता नहीं है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे फीस और जो फीस के अकॉर्डिंग और जो बाकी चीज़ें हैं और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने अपने चैनल पर डाली हुई, आप देख सकते हैं जाके। बट आज की वीडियो पहले देख के जाना, जितने सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या क्या कमेंट्स करे हैं आपके सामने। तो वीडियो में बने रहना, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट तो कंप्लीट, अब सेटअप चेंज करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा, आज मैं डाउट सॉल्व करने वाला हूँ, जितने भी कमेंट्स हैं उनको पढ़ने वाला हूँ, सामने मेरे लैपटॉप है। तो जितनी जल्दी हो सके मैं कमेंट्स को पढ़ता जाऊँगा और आपके डाउट सॉल्व करता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के मैंने कमेंट्स देखे बहुत सिमिलर होते हैं, मतलब डाउट्स एक ही हैं बट बहुत लोग पूछ लेते हैं। तो आप ये वीडियो पूरी देखना, ताकि अगर आपको इनमें से कोई डाउट हो जो आप कमेंट करने वाले हो वो पहले ही सॉल्व हो जाए, मैं अभी बता दूं। किसी और का डाउट है वो आपका भी डाउट होगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मेन मेन डाउट्स निकालता रहूँगा तो जिससे आपको ही मदद होगी। तो जैसे कि पहला डाउट है जो नया नया आया है, भैया कमेंट के में लेमिनेशन किए हुए डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। हाँ भाई, लेमिनेशन किए हुए डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे आपके। कमेंट के की काउंसलिंग के टाइम पे आपके 10th 12th और एक दो चीज़ें लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में, तो ध्यान रखना इसका, डॉक्यूमेंट संभाल के रखना। ब्रो, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर का CSIT कैसा है? भाई जैन यूनिवर्सिटी की जो कंप्यूटर साइंस है वो अच्छी है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप जैन से भी ऊपर जा सकते हैं, जैन के से भी ऊपर अच्छी कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। मैं जैन यूनिवर्सिटी के ऊपर एक कॉलेज भी जल्दी ही लाने वाला हूँ। और जो जितने देखते हैं, ओके, तो भैया आप इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते? भाई इंस्टाग्राम मेरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है सही में, मतलब रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ करंटली 5-6 जनों से, उनका भी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब उन सब के डाउट्स होते हैं कि भैया हमें BBA वालों से बात करनी है, भैया हमें आर्किटेक्चर वालों से बात करनी है, तो उन सब के भी मैं देख रहा होता हूँ, तो इसलिए थोड़ी पेंडिंग रह जाती है। बट मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँ और करना चाहता हूँ। बट एक वो भी है कि अब कोचिंग कॉलेज खुलने वाला है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, असाइनमेंट आ रहे हैं, तो एक साथ इतना सारा मैं धीरे धीरे रिप्लाई करता रहूँगा। बट अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करा है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, भले ही एक दिन बाद या दो दिन बाद, बट ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, मेरे को दिख जाता है। तो बहुत सारे भैया, क्या NCERT करने से 100+ हो जाएंगे? हाँ भाई, अगर तू NCERT कर जाएगा ना, तो NCERT करने का एक बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि मेनली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT से ही आ जाते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल से आ जाते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, क्योंकि उनके ना जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट कर देता है इसलिए। और अगर हम देखें, ओके, और भी हैं,
भैया पॉडकास्ट कब ला रहे हो उत्कर्ष जी के द्वारा, तो उत्कर्ष जी ने 2-3 वीडियो में लगातार बोला है कि भाई पॉडकास्ट कब ला रहे हो। तो यार मैं लाना तो चाहता हूँ पॉडकास्ट, पर मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उनके भी पेपर चल रहे हैं, वो भी इस समय बिजी हैं। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर मैं पॉडकास्ट लाने की कोशिश करूँ, किसी न किसी के साथ तो लाने की कोशिश करूँ जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो और आपको और मैं दूसरे कॉलेज के साथ भी कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ उनके बच्चों के साथ, ताकि मैं उनके साथ डायरेक्टली पॉडकास्ट कर सकूँ, ताकि आपको उस कॉलेज के बारे में पूरी एक फुल डिटेल्ड रिव्यू टाइप से मिल जाएगी जो वहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है ना। और भी हैं हमारे पास, देखें और कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, देखें तो हाँ भैया क्या प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जो अभी लेटेस्ट वीडियो डाली है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, मैंने कल ही उसको एडिट करा है डिस्क्रिप्शन को, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने एक दो वीडियो में जिसमें बहुत पहले एक वीडियो डाली थी कॉमेंट के ऊपर, उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक्स मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, या तो मेरी लेटेस्ट वीडियो देख लो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके और अगर देखिए ब्रो आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई वांट टू एमबीए सीट इन बीएमएससी, आई हैव अ 60% इन माय यूजी। तो भाई देखो एमबीए और बीबीए के बारे में मेरे को थोड़ा सा कम नॉलेज है, मैं बात करता हूँ बट इतना नहीं पता, मुझे अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत पता है एमबीए बीबीए के बारे में, बट जो बीएमएस है उनके बारे में मेरे को यार पता करना पड़ेगा कि उनका एमबीए का कितना सीन चल रहा है अभी, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ही ऑनलाइन से काम चल रहा है। अगर हम ऑफलाइन जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, नेटवर्क बनेंगे, तभी मैं पता कर पाऊँ। तो जितनी जल्दी हो सके अगर मेरे को पता चलता तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा। सो पैस और वीआईटी, तो भाई अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है पैस और वीआईटी, अगर आप पूछ रहे हो तो पैस का कुछ 1.5 करोड़ का पैकेज लगा है, 1.5 करोड़ का पैकेज लगा है अभी कोई US कंपनी है और 96 बच्चों को बहुत अच्छा पैकेज वहाँ से लगा पैस से। तो भाई अगर पैस मिल रहा है तो पैस पे ही जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट्स अभी रिसेंटली नया नया अभी निकला है न्यूज़पेपर में कि 1.5 करोड़ एक बच्चे को दिया गया है प्लेसमेंट में, तो देख सकते हो भाई पैस या वीआईटी आप पे है, बट मेरे ख्याल से पैस चले जाओ क्योंकि उसकी प्लेसमेंट्स अच्छी जा रही हैं, है ना। और CS in KIT वर्थ इट, भाई KIT का भी तो बहुत सारे डाउट्स आ गए मेरे पे कि KIT में जो CS है वो वर्थ इट है या नहीं है। मैं कहता हूँ KIT में CS वर्थ इट है, अगर आप जा अगर आपके पास इतना है कि थोड़ा सा महंगा है बट अगर आप फाइनेंशियली इतने हो तो आप जाओ, क्योंकि KIT की CS अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं। मेरा एक दोस्त पढ़ रहा है जो IT ब्रांच में है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। उसके साथ भी मैं पॉडकास्ट लाने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर, आप उसको जानते भी, पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो उस पर एक वीडियो आ जाएगा जो आपको CS के बारे में ही बता देगा कि वहाँ पे CS का क्या सीन चल रहा है ना। और अगर हम देखें और बहुत सारे हैं, तो नर्सिंग में बहुत लोग पूछ रहे थे कि MS RIT की नर्सिंग कैसी है, मतलब मेडिकल का क्या सीन है वहाँ पे। तो मेडिकल के लिए यार मेरे पास मेडिकल का भी कोई एक फ्रेंड नहीं है, मैं अगर अभी जाऊंगा ना मेरा ऑफलाइन क्लासेस खुलने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं किसी दोस्त के साथ एक मिलके कोलैब वीडियो बना लूँगा जिसमें वो आपको मेडिकल के लिए पूरी एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो उसके ऊपर एक पूरी एक वीडियो बना देंगे हम लोग। और भी देखें और कौन कौन से हैं। ओके और इनका मैंने रिप्लाई कर दिया, इनका भी कर दिया। तो BMS कॉलेज अच्छा है भैया या MS RIT? देखो यार मेरे ख्याल से BMS और MS RIT में कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है कि मेरे को BMS थोड़ा सा अच्छा लगता है लोकेशन वाइज, न तो दोनों की प्लेसमेंट वगैरह और कैंपस वाइज दोनों ही अच्छे हैं, बट BMS को मैं थोड़ा सा एज देता हूँ। लास्ट ईयर प्लेसमेंट में भी थोड़ा एज लेके गया BMS और लोकेशन वाइज भी मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो अगर हम और देखें बहुत सारे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैसा है भैया। भाई ऑक्सफोर्ड यार अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट, ऑक्सफोर्ड अच्छा है ना। ऑक्सफोर्ड में देखा है सुना भैया, कमेंट देखो कमेंट भाई ये क्या
भैया मेरे 80 परसेंटाइल JEE में आया, कैन आई गुड स्कोर इन गेट एन RVC। देखो भाई अगर आपके 80 से 90 के बीच में परसेंटाइल आए हैं JEE मेंस में और आपको लग रहा है कि अगर आप JEE में अच्छा फोड़ पा रहे हो, 95 परसेंटाइल से ऊपर कर जा रहे हो ना, तो कोई ना कोई तुम्हें निकाल लेगा, कोई ना कोई NIT मिल जाएगी तुम्हें। बट अगर आप उससे पीछे आ रहे हैं और कॉमेट के में ट्राई करना चाहते हो तो करो, क्योंकि कॉमेट के बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप पहले से ही JEE की तैयारी कर रहे हो और कॉमेट के में से बेस आता है, मतलब JEE के जितने लेवल नहीं आता, बट आप JEE की तैयारी कर रहे हो तो आपको बाकी सारे चैप्टर्स आते ही होंगे, तो वो ईजी पड़ जाता है और आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपका कम आ रहा है JEE मेंस में तो आप कॉमेट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर अच्छा स्कोर करने के आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। ओके और कौन कौन से हैं, थैंक यू, बहुत अच्छी है, थैंक यू यार, थैंक यू। और देखें, मैंने कहा मेडिकल के ऊपर मैं बना दूंगा, MSIT मेडिकल। बेस्ट सेट का ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? यार अभी तो ये ऑनलाइन का सीन रख रहा है, बट अगर इनका डेट जो है उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ऑफलाइन ही होगा सेंटर पे, जितना देख रहा है, क्योंकि ये डेट आगे शिफ्ट भी कर सकते हैं पेस के लिए। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट BMS में, तो केमिकल इंजीनियरिंग अच्छा है, प्लेसमेंट BMS का अच्छा जाता है। बट अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग करनी है तो यार आप कोई और अच्छे से IITs में जाओ, NITs में जाओ, वहाँ पे ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि जितने भी आपके बैंगलोर के कॉलेजेस होते हैं वो सारे पूरा टेक हब है, तो आप टेक से रिलेटेड कोई फील्ड में जाते हो तो यहाँ पे आपके चांसेस होते हैं प्लेसमेंट के बहुत ज़्यादा, तो टेक के साइड जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ओके भाई, BBA के ऊपर यार एक वीडियो लानी है, बट मेरे को एक बच्चे से बात करनी है BBA के ऊपर, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा BBA के ऊपर। और ओके ओके, लगभग लगभग मैं सारे कमेंट्स को आंसर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो इसलिए इतने नहीं है, लगभग लगभग सब सेम है, कोई कह रहा BBA, कोई कह रहा नर्सिंग, तो इनके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। बट मेरे को एक वो चाहिए ना, अपने आप से नहीं बोलना, मेरे को इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अगर कैंपस जाऊँगा, 2-3 दोस्त बनाऊँगा उस फील्ड से कि भाई मेडिकल में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर आपके लिए लाऊँगा, है ना। ओके, कैंपस लाइफ एंड इट स्टिकनेस। सो भाई कैंपस लाइफ और स्टिकनेस के मामले में MS समय ठीक है, कैंपस लाइफ ठीक है, स्टिकनेस देख सकते हो, अभी भी असाइनमेंट और एग्जाम आने वाले हैं, समझ जाओ, बट कॉलेज अच्छा है यार, है ना। ओके ओके, विच इज बेटर, कंप्यूटर साइंस इन MS IIT और कंप्यूटर साइंस इन दयानंद सागर? तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस इन MS IIT ज़्यादा अच्छी है दयानंद सागर से, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो MS IIT के चल रही है उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जाती है, कंपनीज तो वैसे ही आ रही हैं पर प्लेसमेंट भी लास्ट ईयर से अच्छी जा रही है, तो इसलिए मैं कहूँगा CS इन MS IIT। और अगर देखें, विच स्पोर्ट्स आर देयर इन हेयर कॉलेज? तो भाई स्पोर्ट्स का इतना कोई सीन नहीं है अपने कॉलेज में, बाकी तुम देख सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स थोड़ा सा हमारे यहाँ कम है, क्योंकि कॉलेज का जो एरिया है वो ही कम है, ग्राउंड इतने नहीं है, तो स्पोर्ट्स भी इतना नहीं है, फुटबॉल तो पता नहीं है भी या नहीं है, बट फुटबॉल क्रिकेट है, टेबल टेनिस भी है, ठीक है, बट स्पोर्ट्स का कोई इतना सीन नहीं है जैसे बड़े बड़े, अगर आप कैंपस ले लो, KIT ले लो, IIT ले लो, NITs ले लो, तो उनके कैंपसेस बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स अच्छे खासे लेवल पे होता है, हमारे कॉलेज में इतना नहीं है, यहाँ तक कि बैंगलोर के सारे कॉलेजेस में इतना सीन नहीं रहता स्पोर्ट्स का। यार लगभग लगभग मैंने सारे कवर ही कर लिए भाई साहब, बहुत नीचे जाते हैं तो और भी मिलते जाएंगे, बट जितना हो सके मैंने अपने एवरेज पैकेज यार तुम्हारा 6-7-8, मतलब मेरे ख्याल से ब्रांच वाइज भी डिपेंड करता है, बट आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर मैं मिनिमम पैकेज देखूँ तो 7 से 6 लाख का तो आपको कन्फर्म रहता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती तो आप 15 से 20 लाख तक भी जा सकते हैं अपटू, मतलब उतना तक भी आपका हाइएस्ट पैकेज जा सकता है। तो भैया VIT भोपाल कैसा है? VIT भोपाल यार ठीक है, अगर वेल्लोर वाला कैंपस मिलता है ना VIT का तो वहाँ जाओ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है, VIT का वेल्लोर कैंपस बहुत अच्छा है, MS समैया कंपेयर में बिल्कुल बराबर से हैं, बट अगर आपके पास MS समैया है एंड देन VIT का भोपाल है, देन चूज़ MS समैया, क्योंकि VIT के जो और कैंपसेज है ना उनका इतना नहीं है जितना वेल्लोर वाले का है ना।
तो मेरे ख्याल से मैंने और भी मतलब लगभग कवर ही कर दिया। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को। और मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी सी लेंदी हो गई है, बट आई होप मैंने सबके डाउट सॉल्व कर दियो। और एक दो चीज़ें मैंने एक दो डाउट्स और देख लिए हैं, उनको मैं तभी सॉल्व करूँगा जब लाइक 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो हम बिल्कुल एक लाइव Q&A होगा जिसमें मैं आपको 1-to-1 आपसे बात करूँगा। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। I'm running out right now. I ain't trying to tell you what to do. We're trying to.